बिल्कुल ठीक है भाई साहब। सीमेंट स्पेस जो थी कल डोमिनेट कर रही थी मार्केट्स के मूव को। अंबुजा, एसीसी, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, सब में बहुत बढ़िया अट्रैक्शन, बढ़िया मोमेंटम बन रहा था। एसीसी आज का प्रेफर्ड ट्रेड। अच्छी बात यह है कि जब इस तरह के ग्लोबल क्यूज, एसजेक्स निफ्टी में वीकनेस, लार्जली सब एक्सपर्ट्स अभी भी तेजी के कॉल ही ढूंढ के ला रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान तेजी का अब तक समझ पड़ता है। और बाकी आप देखेंगे तो वो एचडीएफसी ट्विन्स, वो कुछ आईटी स्टॉक्स, उनके अलावा बहुत ज्यादा वीकनेस की पॉकेट शायद आपको नजर आए भी ना ऐसे। लेकिन चलिए, ये हो गई एसीसी प्रेफर्ड पे का। मैं मानस के पास जा रहा हूँ। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी तरफ से आज का ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए, जो कन्वेक्शन ट्रेड है वो एक सेल आइडिया है पिडिलाइट पे, और पिडिलाइट मैंने इसलिए सेल किया है क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले करीब 15-20 सेशन से स्टॉक लगातार हाई लेवल पे 2550 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कल एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला, सपोर्ट ब्रेक हुआ 2480 का, उसके बाद 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है पिडिलाइट में, वहां पर हायर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा और डीप होगा। तो 2390 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे आप एक सेल कॉल ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 2476 के रहेंगे। और डिस्क्लोजर ये है कि इसमें मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है। लेकिन माना जी, मुझे माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कन्विंस कीजिए, मैं सेल क्यों करूं पिडिलाइट आज, एक ऐसे दिन जब क्रूड 99 के आसपास है, 100 के नीचे आया है, थोड़ा सा कन्विंस कीजिए कि पिडिलाइट क्यों शॉर्ट करूं मैं। तो देखिए, ये एक प्योर टेक्निकल कॉल है, इससे क्रूड के प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका रीजन मैं आपको टेक्निकली बताऊं। तो देखिए, जब डबल टॉप बना हो, एक पुलबैक देखने को मिला हो 2150 से लेकर 2520 तक, उसके बाद 15 सेशन से स्टॉक 2550 के लेवल्स को ब्रेक ना कर पाए, और जब कल गिरावट देखने को मिले और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि 20 डे मूविंग एवरेज पिडिलाइट या कोई भी स्टॉक के लिए बहुत अहम होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आज मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि एक वीक मार्केट है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, और उम्मीद करिए कि शायद ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करे। तो केवल एक करेक्शन के लिए सेल कॉल है, यहाँ पर ट्रेंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड या मीडियम टर्म ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एक मोमेंटम कॉल है। दो दिनों के लिए या एक दिन के लिए आपको सेल लेना है, 60 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, तो केवल शायद 2 या 2.5% का डाउनसाइड देखने को मिलेगा पिडिलाइट में। और रीजन है वीरू, मैंने वो पनौती लगा दी, नजर लगा दी, मैंने कहा सब